इंडियन पुलिस फोर्स टाइम पे आनी थी पर लेट हो गई पुलिस यहाँ पे भी। घर पे आएंगे सीधा आप टाइम पे। इसमें अपने सिद्धार्थ मल्होत्रा है, रोहित शेट्टी है, शिल्पा शेट्टी है, विवेक ओबरॉय। विवेक ओबरॉय पहले ईगल क्या हो? आज जो हुआ ये हमला किसी मार्केट पे नहीं, हमारी हिम्मत हमारे जज्बे पर हुआ। सांप हमारे साथ खेलना चाहता है पर हम खेलते नहीं, दिल्ली पुलिस खेल खत्म करती है। अच्छे दिल्ली का है मोस्टली, अब तक जो दिखे थे वो अपने को मुंबई और वो गोवा में था, तो ये दिल्ली, ये दूसरी जगह। ऐसे तो फिर पूरी इंडिया कवर कर लो। अभी वेब सीरीज है ना ये? हाँ वेब सीरीज है। वेब सीरीज है अमेजॉन ओरिजिनल सीरीज, सामने लिखा हुआ है ना। इधर देख उधर कहाँ देख रहा है उधर? अरे हाँ देख ऊपर का पढ़ रहा था मैं ट्रेलर। हाँ। और वो बोला ना कि दिल्ली पुलिस खेलती नहीं, मेरे को लगा बोले अब सांप हमारे साथ खेलना चाहता है पर हम खेलते नहीं, दिल्ली पुलिस खेल खत्म करती है। कितने साल से हो विक्रम की टीम में? यही कुछ 3 साल मैम। फिर मैंने सही सुना है तुम्हारे बारे में। आओ, अच्छा ही सुना होगा मैम। सॉरी टू डिसअपॉइंट यू बट नहीं। Why was it not on our radar? क्या हमारे पास कोई इंटेल नहीं था? मैंने और मेरी टीम ने इस केस में रात दिन किया है। Do what it takes. I want those monsters. उसे देखा है, पूरी दुनिया दिल्ली पुलिस पर उंगली उठा रही है। अगर हम लोगों ने देर कर दी सर तो पता नहीं वो लोग कहां निकल जाएंगे। इतना बड़ा ऑपरेशन एक्सक्यूट किया और हमें इन्फॉर्म तक नहीं किया। आई वांट इंटरोगेटिव। कोई जरूरत नहीं। कभी बच्चे को छोड़ सके, जाने दे उसको। आपको कुछ गलतफहमी हुई है वो हमें बताना चाहता है कि दिल्ली के बाद वो कमजोर नहीं हुआ है, अब वो रुकेगा नहीं। तो फिर हम भी नहीं रुकेंगे। अच्छा विलन भी दिखा दिया। ओके उसके साथ बैठा था शरद खेलकर भी। ऑफिसर्स इस चेहरे को अपने जहन में बसा लो। लेट्स फाइंड दिस गोस्ट टू बॉम्ब्स। वही है क्या? उसका कुछ तो एंगल रहेगा, देखना इसके ऊपर ही आएगा वो घूम फिर के कि ये तू रिस्पॉन्सिबल है या तू मिला हुआ है या जो कुछ भी है। और देखा वो ध्यान से दो बॉर्डर दिखाया है और दो बॉर्डर के बीच में वो खड़ा है, मतलब इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर शायद क्रॉस करने का कुछ तो रहेगा। फिर ऐसा शायद मेरे को लग रहा है ऐसे दिखा देंगे कि वो पाकिस्तानी सपोर्ट कर दिए, जाओ ले जाओ इस गद्दार को। हाँ देखना तू मुझे विवेक ओबरॉय नहीं दिखाया ना? दिखाया विवेक ओबरॉय दिखाया ना वो 3-4 बार दिखाया। पुलिस उसका हेड रहता है शायद। अच्छा हाँ वो शिल्पा शेट्टी उसके स्टार्टिंग में बात कर रहे थे। बट शिल्पा शेट्टी का थोड़ा नहीं जमाना नहीं, भाग भी आ गया नहीं, बट उसकी सीनियर वो ऐसे चिल्लाने वाला सीन है ना उसमें, नहीं नहीं वो ऐसे ऐसे लग रहा था चिल्ला भी रही है ना तो ऐसे सॉफ्ट आवाज निकल रहा है, चिल्लाना चाहिए कि भाई थरथरा जाए सीन। सामने वाला बोलेगा सॉरी मैम उसके चिल्लाना देखकर। ठीक है बेटा जाओ। आज जो हुआ ये हमला किसी मार्केट पे नहीं, हमारी हिम्मत हमारे जज्बे पर हुआ। सांप हमारे साथ खेलना चाहता है पर हम खेलते नहीं, दिल्ली पुलिस खेल खत्म करती है। कितने साल से हो विक्रम की टीम में? यही कुछ
साल से हो विक्रम की टीम में? यही कुछ 3 साल में। फिर मैंने सही सुना है तुम्हारे बारे में। आई होप अच्छा ही सुना होगा। मैं सॉरी टू डिसअपॉइंट यू बट नहीं। Why was it not on our radar? क्या हमारे पास कोई इंटेल नहीं था? मैंने और मेरी टीम ने इस केस में रात दिन किया है। Do what it takes. I want those monsters. मैंने उसे देखा है। पूरी दुनिया दिल्ली पुलिस पर उंगली उठा रही है। अगर हम लोगों ने देर कर दी सर, गोवा तो पता नहीं वो लोग कहाँ निकल जाएं। उसका वही बोल रहा हूँ ना कि गोवा कोलकाता फिर दिल्ली कहाँ कहाँ भाग रहा है वो। दुबई वगैरह भी दिखा दिया है सैंड का। इतना बड़ा ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया और हमें इन्फॉर्म तक नहीं किया। आई वांट टू इंटरोगेट हिम। कोई जरूरत नहीं। बच्चे को छोड़ साले, जाने दे उसको। आपको कुछ गलतफहमी हुई है। हैदर सराफ नाम है उसका। कहाँ है ये? वो हमें बताना चाहता है कि दिल्ली के बाद वो कमजोर नहीं हुआ है। अब वो रुकेगा नहीं। तो फिर हम भी नहीं रुकेंगे। शरद केलकर ही विलेन है फिर? नहीं रे, इसका इसका इन्फॉर्मर है शायद। हो होगा ऐसे पुलिस में उसके अंडर होगा। उसके बीवी मर जाएगी। ये क्या शॉट डाला है देख, कलर रीडिंग देख इसका। अरे वो उस पे आएगा, मैं आएगा। नहीं देखना उसका कलर रीडिंग देखो। एरोप्लेन का देख बोल रहा है ना वो। हाँ। उसका पट्टी का बस देख। अरे वो पूरे थीम ही उन्होंने डार्क करने के चक्कर में क्या मालूम क्या कर दिया है। ट्रेन वाला शॉट तो ड्रोन से ले इसलिए क्वालिटी खराब है उसकी, बट आते यार अच्छे खासे ड्रोन भी उसका यूज कर लेते। यो सिर्फ शुरुआत हुई, जंग जीतना भी बाकी है। उठा के ले आओ। वो शायद शरद खेलकर को मार रहा था। ये देख। नहीं दूसरा, नहीं दूसरा है, दूसरा है। ए फॉर एडल्ट्स। देखा वो। ऑफिसर्स इस चेहरे को अपने जहन में बसा लो। लेट्स फाइंड दिस गोस टू बॉम्ब्स। क्या पता वो जब आएगा तो देखेंगे। कलर ग्रेडिंग में बहुत ज्यादा रेड रेड कर दिया उसको। बहुत वो स्टार्टिंग से किया है। रेड्स बैलेंस नहीं किया उन्होंने ठीक से। हाँ वो ए फॉर एडल्ट था ना। होपफुली सीरीज के अंदर वो वाला डायलॉग कि दिल्ली पुलिस खेलती नहीं। अच्छा इसलिए। और एक और नोटिस करेगा ना शिल्पा शेट्टी का, वो डबिंग सही से नहीं हुआ है। वो अडल्ट कुछ तो डायलॉग रहेगा रे वहाँ पे। इस चेहरे को अपने जहन में बसा लो। लेट्स फाइंड दिस गोस टू बॉम्ब्स। चेहरा दिखाया है उसने फिर। ये ना स्टार्टिंग का शॉट रहेगा, पहले स्टार्ट में शॉट रहेगा वो। और वो चेहरा दिखाता है मतलब वो शरद केलकर के चेहरा रिवील हो चुका है ऐसा होगा। फिर उनको बता रहा है चेहरा देख लो ध्यान से, ये तो शरद केलकर होगा। फिर वो दिखाया वो बांग्लादेश है फिर कोलकाता जहाँ पे भी वहाँ पे वो, तो वो लेटर पार्ट में होगा फिर। हाँ फिर वो बांग्लादेश भाग रहा होगा शायद। हाँ, बांग्लादेश के बॉर्डर पे होगा। हाँ, तो उधर से फिर हाँ वो लोग दे देंगे कि लो पकड़ लो जाओ भाईचारा ऑन टॉप। मतलब पहले उन्होंने शक्ल दिखा दी और फिर एंड में बता रहे कि शक्ल कौन है। होपफुली ऐसा ना हो। बट रोहित शेट्टी की पिक्चरें स्टोरी के लिए बहुत ज्यादा जानी नहीं जाती और वो एक वेब सीरीज बना रहे हैं जिसमें स्टोरी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। मेन वही सोच रहा है ना कि देख बादल, एक समझ ले एक एपिसोड तू देख लिया ठीक है, पर उसका लास्ट में क्लिफ हैंगर डालेगा तभी तू सेकंड देखेगा ना। वो क्या डालेगा वही देखना है मेरे को कि लोग आगे कंटिन्यू करके वो एंड तक पहुंचे एंड एपिसोड में। वो तो करने को कुछ भी कर सकते हैं। सेकंड बॉम्ब फोड़ दिया या उसके सिद्धार्थ मल्होत्रा के ऊपर आ गया घूम के, जो कुछ भी है। कलर ग्रेडिंग में हक दिए भाई। मैं सीधा बोले स्टंट वर्क अच्छा था बट मुझे एक बस ऐसा
और एक आदमी ऐसा कुत्ता है ना, हाँ कुत्ता है, वो भी सही था ड्रोन शॉट VFX मतलब ठीक है। वेब सीरीज के हिसाब से बजट थोड़ा डिवाइड हो जाता है क्योंकि ज्यादा सीन होते हैं, बट बेटर करना चाहिए था। रोहित शेट्टी का नाम है सिंपली, या फिर ऐसे थोड़ा रख देते भाई आग, वो क्यों ही दिखाना है। जैसे असुर में देख लो वो क्या टारगेट, नहीं लेकिन रोहित शेट्टी आग कैसे नहीं दिखाएगा, वो बम नहीं फोड़ेगा गाड़ी नहीं उड़ाएगा तो फिर कैसे बनेगी पिक्चर। मतलब अच्छा है करते हो, एक अलग सिनेमा देखने मिलता है, बट मेन क्वेश्चन ये है कि क्या इसके एंड में अपने को सिंघम दिखेगा वेब सीरीज के लास्ट एपिसोड में। इसको ज्वाइन करने वाले यूनिवर्स का ही पार्ट है, वो सब यूनिवर्स में ही है, इसलिए तो इंडियन पुलिस फोर्स, इंडियन पुलिस फोर्स ये भी कॉपी, इसलिए तो सबको पुलिस बना दिया ना उसने सिद्धार्थ मल्होत्रा। और 3 मिनट का ट्रेलर भाई, मेरे को तो ऐसा लग रहा था कब खत्म, मैं भूल भी गया। मैं ट्रेलर देखते थे, मैं पूछा विवेक ओब्रॉय को दिखाया गया नहीं, फिर जाना वो स्टार्टिंग में ही था, वो उतना इम्पैक्ट नहीं कर पाया भाई, जबकि एक्चुअली सीरीज वगैरह के ज्यादा फुटेज दिखाते नहीं है, वो हमेशा छोटा ट्रेलर होता है। डायलॉग छोड़ ही दे, एक कोई ना कुछ भी हो, माँ के आंसू बहते भाई, फील माँ का डायलॉग बोल रहे हो तुम, ऐसा फील आना चाहिए। जैसे एनिमल में कैसे हो, पप्पा भी बस चिल्ला देता है भाई, रोंगटे खड़े हो जाते हो। जोर से बोल ले, फील नहीं आया देख के कुछ ऐसा। क्या पैसा चाहिए क्या तेरे को रोहित शेट्टी से? समोसा चाहिए रे, समोसा नीचे दे दो, टेबल के नीचे दे दो। ये वेब सीरीज या तो एक्सपेक्टेशन फाड़ के बहुत अच्छी बनेगी या फिर 2024 की सबसे पहली बहुत बढ़िया ब्लॉकबस्टर फिल्म, बहुत बढ़िया मजाक। किलर सुख का देखा ट्रेलर? नहीं, ये 2.5 मिनट का। इसमें बहुत कंफ्यूजन किया, अरे सच्ची ना इसका रोल कितना है पहले वो बताओ। डबल रोल के कारण एक बार वो दिखती है वो दाढ़ी वाले के साथ, फिर वो एक दिख रहा है कि नहीं सिर्फ मूंछ वाला है, एक तड़का है। अबे मैं मतलब बस देख रहा हूँ ये शॉट, दिमाग प्रोसेस कर रहा है तब तक अगला। अबे कितने लगता है, ज्यादा है, 2 से भी ज्यादा है? नहीं डबल रोल है वो, एक उसका लुक अलग अलग कैरेक्टर का कर रहा है वो, लंबा दाढ़ी वाला है ना शायद, वो आगे चल के पूरा क्लीन शेव और वो एक आंख वाला बन जाएगा, ऐसा कुछ होगा। सबसे पहले तो जो गाना बज गया ना भाई, तू ही रे प्लस पॉइंट फाड़ दिया। ये देखेगा हमें यार 11 जनवरी रेडी है, मेरी क्रिसमस देखेगा, कैप्टन मिलर देखेगा। इसका डायरेक्टर भी बहुत है अच्छा है, मतलब उसने सोन चिरे बनाई थी अच्छा, और उसके बाद रे करके नेटफ्लिक्स पे आया था मनोज वाजपेयी का, सुना है। फिर उसका उड़ता पंजाब, इश्किया, डेढ़ इश्किया, ये देखना हम भी देखेंगे, मजा आ गया। ये वो एक तो आंख हुआ बहुत हाईलाइट हुआ उसका। बस यही था हमारा छोटा मोटा रिएक्शन, आप लोग देखोगे सीरीज नहीं देखोगे कमेंट करके बताना कैसी लगी एक्टिंग वैक्टिंग, आपको ओवरऑल ट्रेलर कैसा लगा वो भी कमेंट करना, और सब्सक्राइब करते जाना।